चलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भागवत वाचन आज का तिथि गुरुवार। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या वर्ण, वर्ण गुण पढ़ेंगे। तो वर्ण गुण पढ़ते समय आवाज येतोय का फक्त? म्हणून म्हणलं ज्याला हॅन्डल करता येते त्यानं बघावं, नाही तर बघूच ना। पाच सहा बटन लाईव्ह करायचंच नसतं, हे सगळं लाईव्ह होते बरं का? सगळं मलाच काय शिकवावं लागतं रे तुम्हाला, त्याला हाताही लावायचं नसतं। फक्त एकदा बघ दाखव, हे आलो की असं जर कमी झूम बीम करायचं असेल तर टेबल हलवता येते। यूट्यूब लाव, व्यवस्थित आवाज येतोय का बघ? तर सोडून द्या आजचा दिवस। वर्ण आज वर्ण देखेंगे, रंग, फेर अँड लवली। फेर अँड लवली ने साबुन में निकाले पता है? हाँ, फेर अँड लवली अभी साबुन में भी ऐसी नई ऐड आई है। तो ये वर्ण जो है सबको पसंद है। आवाज होते है कपक तपक ना? बस बस ठीक है। तो वर्ण अगर करेंगे जिसको कलर बढ़ाना है, कलर बढ़ेगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन वर्णाय हितकरम इति वर्ण्यम, ऐसा है वर्ण को जो हितकर है ऐसे वर्ण है। तो जब भी हम हमारे पास पेशेंट आते हैं, कुछ कुछ पेशेंट आते हैं कि हमारे चेहरे पे वांग आया है, कुछ लोग कहते हैं कि चेहरे पे ब्लैकनिंग ज्यादा दिख रही है, कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, मेरा चेहरा रूखा लग रहा है, तो ये सारे केसेस में हम वर्ण द्रव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ण द्रव्य में जो शरीर का वर्ण अच्छा करेगी वो वर्ण द्रव्य है। अब इसमें दिया क्या है? वर्णा ही तद यद भवति तद वर्ण, वर्ण के लिए जो हितकारक है वो उसको वर्ण कहेंगे हम। अब वर्ण किसका रहेगा? त्वचा का रहेगा। अब कोई भी चिकित्सा करती है आयुर्वेद में, ऑर्गन के लिए तो चिकित्सा नहीं होती है, दोषों के लिए चिकित्सा होती है। तो वर्ण खराब कौन करता है हमारे शरीर का? हमारे शरीर का वर्ण खराब करता है वात पित्त कफ, तीनों भी दोष वर्ण खराब करते हैं। पित्त, भ्राजक पित्त रहता है त्वचा में, वो पित्त क्या करता है? वर्ण हमारा प्रकाशन करता है, वर्ण का हमें स्पष्टीकरण मिलता है वर्ण का। वायु की वजह से क्या होता है? कार्ष्णत्व मीन्स कालेपना जो है वायु की वजह से। तो जो भी लोग एक्स्ट्रा मेहनत होती है, जैसे कि हमारा गोपाल था, वो साइकिलिंग से गया था, वो बराबर साइकिलिंग करने के बाद आने के बाद तो उसका कार्ष्णत्व बढ़ गया था, धीरे 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 अपनी जगह पे आ गया। तो नॉर्मल स्किन पैदा होने के बाद या उसके प्रकृति के हिसाब से अगर अलग कुछ हो रहा है तो उसमें वर्ण गण की अपेक्षा है। लेकिन पहले से आप साउथ अफ्रीकन हो, आपको बनना है यूरोपियन, नॉट पॉसिबल। वो बीच में एक एडवर्टाइज आई थी इसकी, चाइनीज की वॉशिंग मशीन की, वो डालती है उसमें एकदम काला बंदा, बटन दबाते है निकलते आता है गोरा बंदा। उसमें बहुत बवाल हो चुका था कि वो वर्ण भेद ज्यादा है ना ग्लोबली, हमारे इंडिया में इतना नहीं क्योंकि सब सेम वर्ण के हैं, वहाँ पे वर्ण भेद ज्यादा है एकदम से। तो ये जो है वर्ण बदलेगा नहीं, लेकिन वर्ण है हितकर्म, वर्ण के लिए हितकर है क्यों वर्ण रहेगा। कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है लड़कियों को कि मैं ब्लैकिश हूँ, मैं काली हूँ। तो आयुर्वेद में या हमारे शास्त्र कहेंगे, शास्त्र में काकिनी नाम की स्त्री का वर्णन किया है कि स्त्री सबसे श्रेष्ठ कैसी होनी चाहिए, तो उसको श्यामा कहा है, गोरी नहीं कही। कारण क्योंकि वो शरीर के हिसाब से अच्छी रहती है। गोरी स्किन है दोष है दोष है वो। श्यामा स्त्री जो है उसको काकिनी कहा है, वो वाजीकरण के लिए, प्रजोत्पादन के लिए, या वो उसका जो शरीर है श्रेष्ठ रहता है ऐसा कहा गया है। तो पित्त जो है वर्ण का प्रकाशन करेगा, तथा च रक्तम ओजस्य वर्णस्य प्रसादनम करोगी। रक्त और ओज वर्ण का प्रसादन करते हैं,
तो क्या क्या आया, राजक पित्त आया है, रक्त आया है, ओज आया है, यानी शुक्र भी आया है इसमें। तो ये शरीर पे देखेंगे तो अच्छी तरह से शरीर तेज पुंज दिखता है। कभी सेरेना विलियम्स को देखते थे ना, वो काली रहती थी और लेकिन वो जीतती थी हमेशा, ऐतिहासिक उसका तेज रहता था अच्छी तरह से। और पांडरापुरी आपले हरुंदाचा फुसकून रक्तसार जो है ना, वो कष्ट सहन नहीं करने वाले हैं, कष्ट सहन नहीं होता उनसे, तो हार जाती है। तो टेनिस में भी जिसको भेजना है तो वो अस्थिसार वाले जो कष्ट कर सकते हैं, अस्थि शुक्र सार वाले, अस्थि मांस शुक्र वाले, अगर ऐसे लोग पकड़ेंगे, अस्थि रक्त शुक्र वाले पकड़ेंगे तो गड़बड़ होगी, अस्थि मांस शुक्र वाले पकड़ेंगे तो अच्छा होगा। इसके हिसाब से अगर सारत्व के हिसाब से नेशनल सिलेक्शन होगा तो सर मेडल हमको मिलेंगे, लेकिन मांसाहार आदमी बैठा है उन्होंने रनिंग के लिए, तो कैसे रनिंग होगी उससे, होगी नहीं, तो अलग है। तथा मधुर रस प्रायणी द्रव्यानी, मधुर रस के जो द्रव्य है, मीठा मीठा जो खाना है, रस रक्त मज्जा शुक्र धातुन ओजस्य वर्धयति, रस रक्त मज्जा शुक्र ओज बढ़ाता है, इसलिए कब बढ़ाता है, रसोपि श्लेष्मवत रस सार तक त्वक सार, इसी हिसाब से जो है वो वर्ण प्रसादकानि भवन्ति, यथा घृत सारी वा कुष्मांड मधुकम नवनीतम क्षीरम। नवनीत मक्खन, मक्खन जो है त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है, जब भी किसी को वर्ण प्रकाशन करना है। अब मक्खन जो है नवनीत कहते हैं उसको, वो नवनीत जो है दूध से बनता है, दूध से कुछ प्रक्रिया होती है, दूध को हम उसको फर्मेंट करते हैं, उसके साथ उसके कर्ड बन जाता है, उसके बाद उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद उसमें मंथन संस्कार होता है, मंथन संस्कार के बाद सेंट्रीफ्यूज होके सारा 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 अंदर आ जाता है, बाजू बाजू में कषाय रस का बन जाता है। तो ये नवनीत जो होता है वो मज्जा पे जो पोषण रहता है, तो जिनके आंखों के नीचे ब्लैक है उसको क्या कहते हैं, डार्क आई, डार्क सर्कल्स जो है, तो डार्क सर्कल्स अगर ग्रहणी से रिलेटेड मिल रहे हैं तो नवनीत इज द बेस्ट, नवनीत खाने को देना है तो उससे होगा। अभी तो विटामिन ई जो है मॉडर्न में विटामिन ई दिया जाता है, वो कैप्सूल जो है फोड़ के उसको ऊपर से लगाने को कहते हैं, फिर भी नहीं जाता है, लेकिन अगर हम नवनीत लगाएंगे चेहरे को और नवनीत खाने को देंगे तो चेहरे के डार्क सर्कल बहुत जल्दी जाता है। दूसरा बताया गया है यहाँ पे बताते समय सारीवा, सारीवा हमने पढ़ा है, सारीवा जो है रक्त का प्रसादन करती है, जैसा शहद है और पानी है जो कंसिस्टेंसी में चेंजेस है, अगर ऐसा चेहरे के ऊपर बदलाव आके चेहरे का रंग खराब हो रहा है, पूरे शरीर का, सॉरी चेहरा नहीं पकड़ेंगे, पूरे शरीर का अगर खराब हो रहा है तो सारीवा वहां पे काम में आती है, अनंत मूल जो इसे कहते हैं। कुष्मांड जो है, कुष्मांड पित्त को शमन करता है, अगर पित्त की विकृति की वजह से अलग 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 पैचेस आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, जैसे वांग आता है, तो उसकी वजह से वहां पे कुष्मांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुकम ज्येष्ठ मधु वर्ण्य में अभी मिलने वाले में से सबसे अच्छा है ज्येष्ठ मधु वर्ण्य गण। कषाय रस प्रधानानि द्रव्याणि क्लेदस्य विशेषणं तथा रक्तस्य शोधनं कृत्वा वर्णं प्रसादयति। कषाय रस के द्रव्य जो है वो क्लेद का शोषण करेंगे, रक्त का शोधन करेंगे, इसलिए वर्णं प्रसादयति। तो कोई भी आयुर्वेद में आया हुआ चेहरे का लेप लीजिएगा, वहां पे कषाय रस ही होंगे ज्यादा सारे। वर्ण्य के लिए बाह्य लेप अगर लगाने हैं तो सारे कषाय द्रव्य लगाएंगे तो भी वर्ण्य काम हो जाएगा। चंदन के दो प्रकार, और लेप के लिए बताते समय बताया है, अगर वर्ण्य हमें लेप करना है, कषाय लेपयो योजयेत् प्रायः रक्तचंदनम्, प्रायः रक्तचंदनम्, वहां भी बताया समय बताया है, जब भी हमें वर्ण्य लेप करना है तो कषाय भी होना चाहिए और वो रक्तचंदन जैसा होना चाहिए, ऐसा श्वेत चंदन जैसा नहीं होना चाहिए। तो रक्त चंदन ज्यादा वर्ण के लिए काम में आता है। कषारस द्रव्यानि रक्तस्य शोधन, रक्त का शोधन करके वर्ण काम करेगा। कमलम मधु प्रवालम लाक्षा गरिकम, कमल है, मधु है, प्रवालम है, लाक्षा है, गरिक है, इसीलिए चेहरे पे मधु लगाना भी वर्ण है। तो जहां पे हमें कषाय रस से चेहरे पे कर्म चाहिए, इसीलिए जब भी लेप बना रहे या फेशियल कर रहे तो 3-4 स्टेप्स रहने चाहिए प्रकृति के हिसाब से। वहां पे क्या क्या किया जाता है, क्लींजिंग किया जाता है, बाद में क्या जाता है, ब्लीचिंग किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, मॉइस्चराइजेशन किया जाता है,
बाद में फिर नरिशमेंट किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टेप्स रहते हैं, लेकिन वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम त्वचा पकड़ेंगे वहाँ पे कफ पित्त प्रकृति वाली ज़्यादा रहेंगी, तो हम कषाय रस वाले ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुरटी है, इसीलिए तुरटी कुछ लेपों में अगर आई है हमारे यहाँ पे, अगर वो एलम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो इजी हो जाता है। कोई भी पिछले लोग जो करते थे, जब दाढ़ी कर लिए तो वहाँ पे तुरटी लगाते थे, वहाँ पे कषाय रस है। अगर कुछ ऊंड हो जाती है तो उससे भर जाता है, क्योंकि कषाय से रोपण अच्छा काम होता है। तो ये जो हमारा स्किन है, कंटिन्यूसली शेडिंग हो रही है, कंटिन्यूसली केराटिनाइजेशन हो रहा है उसका। तो लोग सोचते हैं कि डी केराटिनाइजेशन का कुछ लगाएंगे तो अच्छा होगा, उससे काम नहीं होगा। उससे लिए अभ्यंग सबसे बेस्ट है। तो कोई भी चिकित्सा हमें इधर अगर आयुर्वेदिक पार्लर खोलना है, तो खोलते समय क्या करना है, पहले पेशेंट को बिठाना है, पूरा चेहरा है धो लेना है, किससे, पानी से धोना है, उसके बाद में कषाय द्रव्य से धो लेना है, तो वाटर से धोना है। वो वाटर से धोते समय व्यत्यासत करना है, पहले ठंडा पानी से धोना है, इसलिए पहले बर्फ घुमाना है पूरा, अच्छा लगेगा। उसके बाद में गर्म पानी से उसको धोना है, गर्म पानी से धोना है, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, गर्म पानी में कपड़ा डाल के उसको पोंछ लेंगे, स्पॉन्जिंग कर लेंगे, तो क्या होगा, ठंडा और शीत व्यत्यासत दोनों भी काम हो जाएगा। अगला काम रहेगा प्रक्षालन। हम ऐसे मॉडर्न के शब्द देने के पहले हमारे ही आयुर्वेद के शब्द दे सकते हैं कि प्रक्षालन, प्रक्षालनार्थ कषाय रस द्रव, यानी उसमें वड, उदुम्बर, अश्वत्थ, या यहाँ पे जो आया है कमल, लाक्षा, गैरी, इनका लेप या पहले प्रक्षालन, उनका क्वात जो है कषाय रस द्रव्य का, उसको आते धावन करना। अब धावन करने के बाद क्या है, हमारे तो क्लिंजिंग हो गई, अब अंदर के पोर्स ठीक करना है, तो उसको खींचने वाला कुछ चाहिए। तो वहाँ पे मुल्तानी माटी में गैरिक, चंदन, रक्त चंदन, गैरिक, उसके बाद में हल्दी, यष्टी मधु, लोद्र, हमारी जो कस्तूरी हलद है, ये सारे द्रव्य मिला के उसको ऊपर लेप लगाना है। लेप कैसा रहना, वर्ण लेप कितना बड़ा रहेगा, वर्ण लेप। तो लेप लगाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे रुक्षित्व आ जाएगा, ज्यादा देर तक वो लेप का पाचन करेगा, भ्राजक पित्त जो है त्वचा में, वो लेप का पाचन करेगा। पाचन करने के बाद त्वचा जो है थोड़ी रुक्ष बन जाएगी, और इसके बाद मॉइस्चराइजिंग होगा। तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे हम कुमकुमादि ऑयल, चंदन वाला लाक्षादि ऑयल, जो भी प्रकृति के हिसाब से, या सीधा सीधा हमारा नारियल का तेल, हम पूरी तरह से उसको मसाज करके, जैसे व्यायाम के बाद शरीर में वात वृद्धि हो जाती है, इसलिए क्या बताया है, ये जो भी स्वेद आता है वहाँ पे स्वेद से मर्दन करना है वात शमनार्थ, वो भी वहाँ पे उसको कष्ट दिया है, त्वचा को लेप लगाया हमने, लेप ने पाचन किया है, पाचन के बाद वहाँ पे थोड़ा सा क्षय रुक्षत्व आ रहा है, तो उसको फिर मॉइस्चराइजिंग करना है, मॉइस्चराइजिंग करके बाद में नरिशमेंट। नरिशमेंट किससे होगा, दूध, तो दूध लेना एकदम, दूध से उसको ऐसा प्रक्षालन करके दूध धारा चेहरे पे देके छोड़ना, ऐसा अगर 10-15 दिन करेंगे तो त्वचा की कांति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदिक पार्लर ऐसा हम खोल सकते हैं, बराबर, एकदम दूध भी गाई चे दूध असं लावायचं, तो एकदम छान, एकदम भारी वाटते, तुम्ही करून बघा, आपण एका स्टुडंटला केलं ते लग्नाच्या अगोदर। तो यहाँ पे देते समय मधुर रस भी वर्ण्य बोले हैं, कषाय रस भी वर्ण्य बोले हैं, तो तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य भी वर्ण्य है। तो तीक्ष्णानी उष्णानी च द्रव्यानी पित्तस्य विशेषता, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य पित्त का विशेषता, भ्राजक पित्तस्य वर्धनम कृत्वा, रक्तस्य भ्राजक पित्त का वर्धन करके वर्ण्यानी भवन्ति, भ्राजक पित्त का रक्त का वर्धन करके वर्ण्य बन जाएंगे, जैसे मंजिष्ठा, हरिद्रा, भृंगराज, हरित कीट। तो हल्दी, मंजिष्ठा, ये उष्ण है, हमेशा ही वो सारे को काम करेंगे। इधर वड़ा पाव खा रहे, पिंपल सारे, मंजिष्ठा हरिद्रा लगा रहे, गलत है ना, बराबर। लेप बनाते समय ऐसे ही बनाते, उष्ण लेप बनाते, पहले से पित्त वाली है, पहले से रात में जग रही है, फोन पे बातें कर रही है रात भर, बड़बड़ से भी पित्त बढ़ रहा है, ऐसे समय मंजिष्ठा काम में नहीं आएगी, वहां पे क्या आएगी, मधुर रस वाले द्रव्य काम में, ज्येष्ठ मध काम में आएगा, दूध काम में आएगा। इसलिए ज्येष्ठ मध वर्ण्यगण में दुर्वा आई है, ज्येष्ठ मध आया, मंजिष्ठा भी आई है,
मधुर भी आया, कषाय भी आया है, तिक्त उष्ण भी द्रव्य है। तो हमें हर एक व्यक्ति में करना कैसे उसके हिसाब से काम करना है। तो अगर इसका मार्केटाइजेशन करना है तो हम मार्केटाइजेशन कैसा करेंगे, तीन प्रकार के लेप आपके बनाने होंगे, तीन प्रकार के लेप के साथ अभ्यंतर भी तीन आपको दवाई देनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति को रक्त शोधन टैबलेट काम नहीं करेगी, क्योंकि रक्त शोधन करने वाले जो है अगर वो कषाय रस वाले हैं और उसको वातज है तो कषाय से वायु वृद्धि होगी, होगा नहीं। सिंपल है ना। मैक्सिमम हमारे पास जब लोग आते थक जाते हैं पूरी तरह से, तो ऐसे समय कार्षणत्व आता है और उसको रक्त शोधक वटी लघु मंजिष्ट आदि काढ़ा काम नहीं होता है। इसमें यष्टि मधु जैसे दुर्वा जैसे कल्प हमें वर्ण इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पित्त प्रकृति वाले हैं, पित्त बहुत बढ़ गया है तो कषाय रस वाले हमें काम में आ जाएंगे, वहां पे मंजिष्ठा जैसे उष्ण द्रव्य काम में नहीं आएंगे। अगर कफोवात संप्राप्ति वाले हैं तो वहां पे मंजिष्ठा हरिद्रा ऐसे काम में आ जाएंगे। इसलिए शादी में लड़की कौन से प्रकृति की है उसके हिसाब से हल्दी देना है। तीपी पित्त प्रकृति ची है, हलद पित्त प्रकृति ची, पिवळच पिवळ सगळं। हाँ तर ती गडबड होते तसे। हरिद्रा है भृंगराज है उष्ण है, हरितिकी है उष्ण है, शोषणीय है। तो ऐसे समय में वो पित्तस्य विशेषता राजक पित्तस्य वर्धनम कृत्वा वर्ण्यानि भवन्ति ऐसा बताया गया। पांडु रोग में, शोष में, कुष्ठ में, व्रण में इसका उपयोग जो है, पांडु रोगे शोषे कुष्ठे व्रण जो वर्णना वर्ण का उपयोग होता है। जैसे पांडु में पीली बन जाती है तो वहां पे शोधन करने वाली दवाई वर्ण बन जाती है। शोष में क्या हो जाता है, शरीर का त्वचा खराब हो जाती है। कुष्ठ में, व्रण में, तो सारी जगह पे त्वचा जगह पे लाने वाले जो भी द्रव्य है उसको वर्ण्य कहेंगे। जैसे अगर किसी को मार लग गया, स्कार आ गया, तो स्कार पे जगह पे लाने के लिए भी जो चिकित्सा है उसको वर्ण्य कहेंगे, उसको सवर्णीकरण कहेंगे। तो किसी को चेहरे पे ऐसे 10-12 टाके पड़ गए, स्टिचेस हो गए, तो पूरा ऐसा स्कार होता है, तो उसको नॉर्मल कैसे करें, पता है? हमारे जो षष्ठी उपक्रम बताया है सुश्रुत संहिता में, तो उसमें से एक उपक्रम आया है कि जो स्कार है, ऊंड वाले जो स्कार है उसको जगह पे लाएगा। वो कैसे लाएगा, उसका जो द्रव है, एक खुर वाले जो हमारे एनिमल्स है उनका खुर जो रहता है वो खुर की मशी बनाना है, और मशी का गुर्त के साथ लेप करके वो पूरा स्कार चले जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, वो प्रवरा में MBBS के लिए फाइनल ईयर के लिए थी, और प्राइवेट के स्टूडेंट इतने पढ़ाई नहीं करते, तो वो बाहर घूम रही थी चेहरे पे गिर गई वो, इसका इतना पूरा स्कार था। तो उसको कहा था मैंने कि आपको ये करोगे तो होगा फायदा, तो उसने तोड़ो नजर ली होती एकदम खटका कुट, आणि मग त्याच्यातून इकडून रक्त आलं आणि इकडून मशीन तशी कशी तयार करणार आपण। मग तिला सांगितलं ते सुकवायचं, मग तिला घरी मशी करायची शिकवली, घर पे शिकाय म्हणे मशी कसे करणं है। और उसके बाद में उसने लगाया, इंटर्नशिप होने तक लगाया और उसका पूरा स्कार ठीक हो गया। हाँ, तो ये इतना अच्छा काम करता है स्कारिंग के लिए। तो एक खुर प्राण्याच्या पायांच्या ते जे बूट असतात ना, एनिमल के जो बूट रहते हैं, तो उनके जो शूज है उसकी मशी है। तो मशी जब शशांक ने बनाई ना, शायद नहीं होगा जो तो अश्वगंधा की मशी हमने कल पड़ी थी ना, तो उसने बनाई है, तो उसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे कहाँ पे आया है उसका उपयोग, क्षेत्र में आया है। तो तिल तेल के साथ क्षेत्र में मशी का लेप आया अश्वगंधा के, तो ये एक खुर पुराने की मशी हम लगाएंगे तो काम में आता। दूसरा है, हमें पिंपल्स आ गए किसी को एकदम से, ऐसा एकदम पुटकुन दाबला की पुटकुन उड़ते है ना, ऐसा पिंपल्स आ गया किसी को आने के बाद में उस जगह का क्या होता है, स्कार हो गया। क्यों स्कार हो गया, पिंपल्स आया है मतलब क्या है, वहां पे पाक हुआ है, पाक की वजह से फिर पक गया है, प्रेस करने के बाद उसमें से पस या जो भी मटेरियल आता है वो निकल गया है, उसके बाद में वो दब जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, स्कार हो जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है, तो वो पित्तज है। हल्दी लगा के फायदा नहीं है, वहां पे कषाय वाले द्रव्य लगाने पड़ेंगे, शीत कषाय, तो शीत कषाय वाले द्रव्य हम लगाएंगे तो फायदा होगा। अगर वृक्षत्व है, डार्क आइज है, तो वो क्या जाएंगे, वातज जाएंगे, तो
वहां पे ज्येष्ठ मध, दुर्वा, मधुर रस, गृहिणी के कल्प, नवनीत काम्य आएगा, बराबर। और ऐसे किसी में फैटी व्रण रहते हैं, सफेद सफेद रहता है, कफज रहता है, एकदम स्किन जो है ऐसी एकदम मोटी रहती है, और इसमें छोटे 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 डॉट डॉट रहते हैं ऐसे, तो वो कफज में जाता है। ऐसे समय में मंजिष्ठा, हरिद्रा, रक्तचंदन, ऐसे उष्ण उष्ण कल्प आते हैं। तो इजी है, लेकिन हम देते समय दोष देखते नहीं, इसलिए हम बोल जाते हैं इजी, सबसे इजी है, लेकिन हम देते समय होता नहीं। कभी भी देखिएगा, घृतपान दिया है वमन को, वो पांचवें दिन आदमी बहुत सही लगता है, ऐसा लगता है कि ये घृतपान बंद कर दे, वमन भी ना दे, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि घृतपान समय करते समय तेज बढ़ता है ना, और जैसे वमन हो जाए वो एकदम अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये जो है घृत जो है वो मधुर रस से काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चेहरे का जो प्रभा है वो शुक्र से आती है, और चेहरे का वर्ण जो है रस रक्त से आता है। तो तीनों हमें संभाल के अगर काम करेंगे तो ठीक लगता है, तो चेहरा जगह पे लगता है। तो ये हो गया हमारा वर्ण्य लेप। लेप कितना देना है? अंगुष्ठ कितना देना है? अगदी उगा सब पाउडर लावल्या सारखं लावायचं नाही, तो ये एकदम बड़ा लेप होना चाहिए, शेण थापटल्या सारखं लावायचं एकदम, तो ही वर्ण्य का काम होगा। और लेप कब तक रखना है? वो फूटने तक, पाचन होने तक रखना है, किसी भी पेशेंट को देंगे नहीं तो क्या क्या कफज आ गए ना, स्ट्रेच मार्क, या वात जा गए, खींच रहे, वात बढ़ गया है, जल गया है तो पित्त है। तो दोष कौन सा है वहां पे देख के वही दोषघ्न चिकित्सा करेंगे हम, नहीं तो हर बार हल्दी लगा के काम नहीं होता। मश मशी आई, बर्न बर्न हुआ है ना, अब बर्न होने के बाद बर्न की बहुत सारी चिकित्सा करते हैं, मछली भी लाते हैं, मछली की स्किन भी लाई जाती है, कुमारी भी देते हैं, अलग अलग है। लेकिन बर्न स्कार जब रहते हैं या कॉन्ट्रैक्चर रहते हैं, विशेषता कॉन्ट्रैक्चर है, बर्न के कॉन्ट्रैक्चर, अगर हाथ जल गया, ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो इसका अगर सीधा करना है तो शतावरी की मशीन है। वो हाथ का जो बर्न के बाद एकदम ये बन जाता है ना, स्किन का तो टोन निकल जाता है, स्किन बहुत खराब हो जाती है, तो शतावरी के पर्ण की मशीन, शतावरी के पर्ण लेना है, वो सुखाना है, उसकी मशीन बना के अगर हम घृत में, अब घृत लेते समय ज्येष्ठ मधु घृत लेंगे तो और बढ़िया होगा, हमारे सुश्रुत संहिता में आया एष्टि मधु घृत, वो भी लगाएंगे तो बर्न का काम हो जाता है। तुरंत बर्न हो गया तो वहां पे क्या करना है, कौन सा बर्न है उसके हिसाब से चिकित्सा रहेगी। अगर पेट्रोलियम जैसा बर्न है, जैसे घासलेट है या पेट्रोल है या हम क्या कहेंगे गैस वाला बर्न है, तो वहां पे सीधा सीधा क्या करना है, ग्रंथ में आया है कि साकरे से पाक, शक्कर का जो पानी है वो ज्यादा उबाल के एकदम थोड़ा सा स्टिकी करके उसका अगर लगाते हैं तुरंत बर्न के बाद, तो बाद में बर्न के मार्क नहीं दिखते हैं। दूसरा है उसमें दाह होता है, तो दाह के लिए तो हमें पता है शतदोष घृत आया है, ज्येष्ठ मधु घृत आया है, एलोवेरा आया है, तो इसमें सबसे ज्यादा आगे का सोच के ज्येष्ठ मधु घृत बताया है सुश्रुत संहिता में, पूरी बॉडी भी जल गई और ज्येष्ठ मधु घृत के हम उस पर पट्टिया करते हैं तो उस स्किन नॉर्मल आने तक काम होता है, जो भी बचा कुचा है बाद में शतावरी मशीन से जगह पे आ जाएगा। हाँ, द्रव्य कौन सा लेना है? वरने ही लेंगे, ज्येष्ठ मत कहाँ पे? बुक का नाम है द्रव्यगुण फड़के, द्रव्यगुण विज्ञानियम, मिला कि नहीं? एसटी मधु देख नहीं रहे शायद, यरल अरे नहीं मिला है पेज नंबर, कल नाना पेट के हमारे स्टूडेंट ने कहा सर गूगल बताइए, गूगल सांगू
वर्ण, वर्ण में हमने आज देखा कि वर्ण कैसे कैसे प्रकाशमान किया जाएगा, और कुछ समस्याएं रहती है वर्ण लाने में, जैसे कुष्ठ के है, शीत्र वाला वर्ण है, तो शीत्र वाला वर्ण अगर अच्छा नॉर्मल करना है, विटिलिगो वाला, तो हमें बाकुच जैसे उष्ण द्रव्य लगते, क्योंकि वो श्वेत है ना, कफज है, तो उष्ण ही लगेगा। वहां पे हम ज्येष्ठ मधु का लेप देके वर्ण नहीं आएगा, क्योंकि श्वेत बन गया है ना, तो श्वेत बन गया है तो कफज है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए श्वेतम शैत्यम शतांगतम जो कफ वृद्धि के लक्षण है, इसीलिए रसपाचक वाले द्रव्य काम में आते हैं, इसीलिए रस में ज्यादा तकलीफ देने वाले पथ्यादि काढ़ा जैसे द्रव्य प्रतिशय की औषधि शीत्र में काम में आते, इसलिए नासा विद्ध शीत्र में काम में आते। तो ऐसे अलग अलग हम व्याधि का युक्ति प्रमाण लगा के हम चिकित्सा कर सकते हैं। ब्लैक स्पॉट, अब कुछ कुछ लोगों के ना ऐसे बॉडी पे ऐसे ऐसे ब्लैक स्पॉट सूरजी जैसी बन जाती है, वो पित्तज रहती है, रंग रंग के हिसाब से काम करना है। देखो पित्त वातज रहेगा, ब्लैकज रहेगा तो रेडिश रहेगा तो पित्तज रहेगा, श्वेतिश रहेगा तो कफज रहेगा, व्हाइटिश रहे, तो वो उसके हिसाब से हम करते हैं। या हम फिर रस रक्त मांस वृद्धि से ज्येष्ठ मध वाले द्रव्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दुर्वा वाले है। और बाकी इसमें नरिशमेंट के लिए तो अलग अलग प्रकार के तेल है, ज्येष्ठ मधु सिद्ध घृत तेल है, जैसे कल एक MR आया था वो तेल बता रहा था अलग 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 अलग, उसमें ज्येष्ठ मध सिद्ध तेल बॉडी के स्किन के लिए उसने बताया था, वो एक कंपनी ना वो नासिक की कंपनी है, एके पिल्स वाली, आयुर्वेद कपिला वाली, कल ही आया था ना, उसके इसमें मंजिष्ठा तेल था, तिल तेल था, और उसके साथ एष्टी मधु तेल था, सारा सिर्फ एष्टी मधु और तिल तेल। अब कितना गड़बड़ किया उसने देखा, क्या दिया, तिल तेल लिया उष्ण और ज्येष्ठ मध मधुर मधुर से लिया, अगर उसी की जगह उसने नारियल तेल और ज्येष्ठ मध लिया होता तो ज्यादा वर्ण में काम आता, वही पित्त प्रकृति के लिए। अब उसको लेना ही है तिल तेल, तो तिल तेल में मंजिष्ठा हल्दी डालना भाई, वो ज्यादा रहेगी काम के लिए। तो कंपनी वाले भी कितना विपर्यास वाला काम करते, फिर भी चल रही है ना कंपनी, सिंपल है ना, हमने पढ़ा अभी, शीत वाला करना है तो ज्येष्ठ मध है, मधुर मधुर शीत है, दुर्वा है तो दुर्वा एष्टी मधु और नारियल का तेल करेंगे, शीत तेल करेंगे तो हमें उष्ण प्रकृति के लिए काम में आ जाएगी। वही अगर हमें तिल तेल में करना है तो तिल तेल उष्ण है तो मंजिष्ठा रक्त चंदन हल्दी ये उष्ण करके डालेंगे तो काम में आ जाएगा, थोड़े वांग के लिए वो सबसे ज्यादा अच्छा काम में आ जाएगा। और छोटे छोटे बड़े बड़े पैचेस कफज जैसे लगता है उसमें करना है तो उसमें सरसों तेल ले लें, बराबर नहीं, अगर ऐसा काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है और ज्यादा प्रोडक्ट चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रकृति का डिवाइडेशन देख के व्यक्ति को देगा कौन, उनको ओवर द काउंटर प्रोडक्ट सेल करने, इसलिए उन्होंने ज्येष्ठ मधु तिल तेल दिया है ग्लोबल का सोच के, भाई सभी इस्तेमाल करेंगे, जिसको वात आया उसको वात, जिसको पित्त आया उसको पित्त, ऐसा काम होगा, इसीलिए वो OTC प्रोडक्ट ऐसे ही रहते। उनका मार्केटिंग वाले क्या फंडा है, 40% लोगों को भी रिजल्ट आ गया तो बेस्ट प्रोडक्ट, वो सिस्टम ही नहीं, लोग सोचते हैं कि किसी को वात पित्त कफ वाला करेंगे। आज भी देखिएगा बालों के शैम्पू वाले अलग अलग उस पे मार्कर्स रहते हैं, लोग सोचते हैं वैसा अगर हम लेपों में करेंगे तो सही काम होगा। और सबसे ज्यादा लेप का महत्व क्या है, दोषों के स्थान अनुसार करवाना है, जैसे उदानम उदानम बल उच्चते हैं, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो वर्ण ये उदान वायु का काम है, उर स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलात्तरे, तो वही लेप चेहरे को लगाना है, ऐसे लगाना या बस में ऐसे लगाना तो फायदा ज्यादा होगा। ज्येष्ठ मध सबको पता है अभी वही काम में आने वाला है, वमन विरेचन में यष्टि मधु मधु को कृतिकम मधुलिका कहते हैं, मूलहटी कहते हैं, ज्येष्ठ मधु कहते हैं, मधुयष्टि चूर्ण मधुयष्टि क्वात्म ऐसे कल्प है, मधुकम रक्त पित्तकम व्रणशोध रोपणम गुरु स्वादु हिमम वृषम चक्षुषम स्वरवर्ण कृत, देखा हमने जो पढ़ा है वही आया है, मधुकम रक्त पित्तकम रक्त पित्त पे आएगा, व्रण शोधन रोपण आएगा, इसलिए ज्येष्ठ मध का काढ़ा जो है ऊपर से लगाएंगे चूर्ण देंगे तो व्रण शोधन भी होगा रोपण भी होगा। गुरु है स्वादु है मधुर है हिम है शीत है वृष चक्षुष नेत्र के लिए अच्छी है स्वरवर्ण कृत। अब हम नेत्र को ले पढ़ते हैं ना चक्षु तेजोमयम तस्य विशेष श्लेष मनोभयम, बराबर, फिर मधुर तो आई नहीं, फिर चक्षु को अच्छी कैसी है, चक्षु तेजमय है जो कफ से भीती है तो मधुर आई नहीं, ये कफ ही बढ़ाएगी ना, कफ को थोड़ी कम करेगी,
तो नेत्र कैसे बनेगी सोचो, आएगा आगे। एष्टि मधु जो है संधानी है, वर्ण्य है, कंठ्य है, स्नेह उपग है, अस्थापनोपग है, दाह प्रशमन है, वमनोपग है, विरजनीयम है, अंगमर्द प्रशमन है, शोणित स्थापन है, जीवनी है, वह स्थापन है। जीवनीय जो हमारे 10 द्रव्य है उसमें एक ही जष्टि मधु है जो आजकल मिलती है। मधु यष्टि रसेन मधुरा तसे विपाको मधुर सा वीर्यन शीता तथा स्निग्धा गुर्वी च मधुर मधुषित गुरु दोषेषु कार्यम माधुर्य शैत्या पित्तम शमयति। मधु ज्येष्ठ मत पित्त शमन करेगी शीत और मधुर की वजह से। इसलिए जब जब हमें आम्ल पित्त के योग आते सारे इसमें यष्टि मधु आती ही आती। गुरुत्वात् स्निग्धत्वात् वातम शमयति, वात भी कम करेगी गुरुत्व और शीत की वजह से। इसीलिए पित्त वात संप्राप्ति जब जब रहेगी तब ज्येष्ठ मधु आ जाएगा। पर कफम च वर्धयति, कफ का उत्क्लेश करती है इसीलिए वो वुमन में काम में आती है, एक्सपेक्टोरेंट के लिए काम में आती है मध्यवृष्टि। तो कफ बढ़ाएगी तो क्या क्या बढ़ाएगी धातुओं में, रस बढ़ाएगी बराबर, रसम च वर्धयति विशेषेण, तो रसगत तो काम करेगी लेकिन पित्तवाद भी शमन है तो रस पे क्या काम होगा उसका, पित्तवात शमन और रस बढ़ाने वाली है। तो पित्त की वजह से जब रस क्षीणता हमें मिलती है, रस दुष्टि हमें मिलती है तो क्षीणता वाली, तो इसीलिए क्षय जो पीसीओडी वाले पेशेंट में ये ज्यादा काम में आती है क्योंकि रस को भी बढ़ाएगी और दोष पित्तवात भी कम करेंगी। तो ऐसा पीडी पीसीओडी की पेशेंट जो मोटी नहीं है पतली है और उसमें ब्लीडिंग जो कम हो रही है क्षयज वाले, तो उसमें रस भी बढ़ाएगी पित्तवाद भी कम करेगी और रसगत क्लेद कफ भी बढ़ाएगी तो गर्भाशय को बल भी देगी। इसीलिए ऐसे पीसीओडी के केसेस जिसमें क्षय है अवरोधात्मक संप्राप्ति नहीं है तो ज्येष्ठ मध हमें काम में आती है। विशेषत रसगतम पित्तम दाहम च शय शमयति शैत्यात मधुरात च। विशेष क्या बताया, रसगत पित्तम और दाहम, तो ऐसे पीसीओडी के पेशेंट जिसके ब्लीडिंग के समय उसको उष्णता ज्यादा बनती है, दाह होती है, बर्निंग होती है और पीसीओडी भी है और कम भी ब्लीडिंग क्या कहते हैं हम क्षय भी आ रहा है, तो ऐसे समय में ये काम में आती है अच्छी तरह से। मधुयष्टि रक्तम प्रसादयति, रक्त का प्रसादन करेगी तो शहद जैसा जो रक्त है वो पानी जैसा बनाएगी, रक्त प्रसादन करेगी। इसका मतलब हमारी इकोस्प्रिन नहीं है। रक्तगतम पित्तम च शमयति, रक्तगत पित्त का शमन करेगी। इकोस्प्रिनम पित्तम वर्धयति, बराबर ना, इकोस्प्रिन से पित्त बढ़ेगा तो वो जो कोएगुलेशन के लिए काम करने वाली इकोस्प्रिन कहते हैं। इकोस्प्रिन खाने के बाद भी पेशेंट को पैरालिसिस के झटके आते हैं या ब्लड ये हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है, लेकिन जिष्ट मत से हिमोरेज नहीं होगा। इकोस्प्रिन रोज लेते हैं लोग ना बोलते हैं, अगर जिष्ट मत लेने की आदत उतना ही महत्व अगर जिष्ट मत को देंगे तो रक्तगत पित्त का शमन होगा और उसको ना बीपी आएगा ना ये आएगा, लेकिन वो लेंगे नहीं क्योंकि इकोस्प्रिन जितना महत्व किसी ने बनाया नहीं ना उसका। इसीलिए पहले से तांबुल जो बनाते हैं खाने के बाद उसमें ज्येष्ठ मधु है ही, पहले से ही है, वो बनाया ही दिया है। उठत बसत लोग बाय का आणि तांबूल बना के खाते, उसमें ज्येष्ठ मधु है और तांबूल पत्र भी है वो भी रक्तपित्त करता है तो पूरी तरह से कार्डियक प्रोटेक्टिव बन जाता है तांबूल, लेकिन खत्म अभी तो कुछ नहीं। मांस धातु साम्यत्वात्, मांस धातु के साम्य की वजह से मांस वर्धयति बृहति, मांस वर्धन करेगा बृहन करेगा। इसीलिए त्वचा में त्वचा को बल देना है, तो जिसको केराटिनाइजेशन ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से एजिंग लग रहा, क्रम वर्धयति वृषाच भवति, वृष भी बन जाएगी और शुक्र भी बढ़ाएगी। मधुयष्टि रसादु धातु पोषणादो जो वर्धयति वर्ण्याच भवति तारुण्यम च स्थापयति। तारुण्यम च स्थापयति, इसलिए रसायन चिकित्सा में मधुयष्टि अच्छा काम करेगी। आगे धन्य, तो मधुकम न प्रधानम औषधम द्रव्यांतरेण संयोगात तस्य उपयोगः प्रशस्तः बहुगुणत्वात् रोगेषु मधुकस्य उपयोगः।
अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्णारोपण है मधुर शीत की वजह से, शुद्ध वर्णेशु रोपणार्थम मधुकस्य प्रयोगाः। अब व्रण का रोपण या व्रण का शोधन जो कंसेप्ट है मैं बताता हूँ। किसी को उंड हो गई है, उंड होने के बाद हमें क्या है, हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली जब हम कैजुअलिटी में होते हैं तो यश टू टू डालते हैं ना। अगर वहाँ पे अगर कुछ मिट्टी बिट्टी गई है तो क्या होता है, उसका फेस बन के आता है। तो व्रण शोधन का वो कंसेप्ट है, वो क्लिंजिंग कहते हैं ना वो। उसके बाद में क्या देते हैं, बीटाडीन वगैरह देते हैं, डिसइंफेक्टेंट देते हैं, वहां पे सिफिक्सिम डालते हैं, वो तो सबसे एंटीबैक्टीरियल ना, तो सिफिक्सिम क्यों नहीं डालते, डालना चाहिए ना। सिफिक्सिम की क्रीम पूरी तरह डाल दिया, एकदम पट्टी बांध दी, एंटीबायोटिक गया बॉडी में, बच गया साला, नहीं होगा ना ऐसे। वहां पे वो क्लिंजिंग रहेगी, टिश्यू को जल नजदीक आने का कोशिश किया जाता है। टिश्यू जब नजदीक आते हैं तो वर्णारोपण अच्छा होता है टिश्यू नजदीक आने के बाद, क्योंकि हीलिंग जो है बॉडी की टेंडेंसी है, हमें सिर्फ हेल्प करना है उसको। लेकिन जब टेंडेंसी काम नहीं कर रही है तो टेंडेंसी बढ़ाने के लिए हमें ये औषधि द्रव्य का उपयोग होता है। किसी को व्रण हुआ है, व्रण भरता है कौन है, हील कैसे होता है, अपने आप होता है, बॉडी की टेंडेंसी है। हम क्या करते हैं, खाली उसको नजदीक लाते हैं या उसमें से क्लिंजिंग करते हैं या उसमें गंदा पानी भी नहीं गया है तो उसको बीटाडीन बीटाडीन लगा के वो डिसइंफेक्शन की कोशिश करते हैं। कुछ भी करो अपने आप हील हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, वहां पे अगर कुछ अटका है अंदर तो उसको फाइट करने के लिए WBCs आ जाएंगी, खुद भी मर जाएंगी, उसको भी मार देंगी, ऐसे समय पस कलेक्शन होगा, फिर पाक होगा, फिर पाक के बाद में व्रण का उपक्रम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आजू बाजू का टिश्यू भी लॉस होता है, जैसे किसी को बॉइल्स आते हैं वैसे समय में। तो ऐसे समय हमें वुंड वो रोपणीय करना, अगर बाहर से ओपन नहीं है तो हम उसको भेदन करेंगे, पैटर्न करेंगे, कट करेंगे और इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, और जो भी अंदर का है वो निकालेंगे। अगर ये वुंड एकदम फ्रेश है तो मधुर रस वाले द्रव्य का इस्तेमाल आता है। तो यही कहना है इनका कि व्रणे व्रण में मधुकचूर्णम घृत संयुक्तम पायतेन धातु वृद्धि भवति व्रणम च अशुरोहिति। ऐसे समय में जब जब व्रण नया है, पुराना नहीं है, दुष्ट व्रण नहीं है और उसको जल्दी हमें भरवाना है तो ज्येष्ठ मधु और मधु घृत संयुक्त घृत मधु संयुक्तम हमें इस्तेमाल करना है। सिंपल है, घी मधु और ज्येष्ठ मधु चूर्ण हम लगाने को देंगे तो जो न्यू वुंड से वो अच्छी तरह से काम होंगे। अब प्रश्न कितना है, घी और मध शहद व्रण में डालना है भाई, इन्फेक्शन होगा ऐसा ही लगता है, तो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन कट करने के बाद भी वहाँ पे घृत लिंपन आया है, मधु लिंपन आया है, तो उससे नहीं होगा, ध्यान में रखना। यष्टि मधु घृतेन सद्यो व्रणम सिंचित तेन व्रण से आशुम संधानम भवति, संधान जल्दी होगा। शस्त्रकर्मादनन्तरम यः तीव्र वेदना जायन्ते, शस्त्रकर्म के बाद जो तीव्र वेदना होती है तस्य शमनार्थम यष्टि मधु कन्वितेन कोष्ठेन घृतेन व्रणम सिंचित, यष्टि मधु घृत से व्रण का सिंचन करना है, उससे आशु वेदनो शमनम भवति। अब इसका हमारे पास पेशेंट आया, उसको सीजर हो गई, सीजर होने के बाद उसके व्रण इतने दुखने लगे और उसमें थोड़ा पस होने लगा, तो वैसे समय में पस जब आता है तो हमें व्रण शोधन वाले द्रव्य, क्योंकि क्लेद आ गया तो वहाँ पे ज्येष्ठ मध की जगह हम क्षीरी वृक्ष का काढ़ा से धावन करेंगे और ज्येष्ठ मध के घृत से लेपन करके पट्टी करेंगे, सारे व्रण भर जाते। तो इसलिए ज्येष्ठ मध घृत जो है डायबिटिक वुंड में काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा तो एट्रोपिक बन रहा है स्किन, तो बढ़ाने के लिए ज्येष्ठ मध घृत का उपयोग होता है। जैसे कल हमने अश्वगंधा भी देखा व्रण के लिए, बराबर, लेकिन वो कषाय वाली है, ये मधुर वाली है, तो ये संधान ज्यादा काम करेगी, अश्वगंधा शोधन ज्यादा काम करेगी। माधुर्यात ओजो वर्धयति, माधुरी की वजह से ओज बढ़ता है। ओजवर्धकत्वात् तथा रक्त प्रसादकत्वात् च मधुकम वर्णम प्रसादयति, वर्ण का प्रसादन करेंगी। लेपनेन पानेन च उपयुक्तं भवति, लेपन करो या पान करो अभ्यंतर तो वर्ण हो जाएगा। स्निग्धत्वात् रोक्षम नाशयति मधुकम,
स्निग्ध की वजह से वर्ण्य में रुखी की स्किन पे काम में आएगी। जो ड्राइनेस है चेहरे का वो दूर करने के लिए क्लीन होने के साथ काम में आएगी। और जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से पिंपल्स आते हैं उसमें भी ऊर्ध्ववातस्य अधोवातस्य अनुलोमन च भवति मधुकम धातु बलम वर्धति, धातु का बल बढ़ाएगी। तथा च दोषा नाम रुक्ष उष्ण तीक्ष्णत्वादि गुणोभ्यो धातुम रक्षयति। तो दोषों के जो गुण है उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष इससे धातु का रक्षण करने वाली है, इसीलिए ये रसायन। कंठे तो सबको पता है, आवाज मसला है ज्येष्ठ मत का, आवाज चांगला करायचा है ज्येष्ठ मत का। तो ज्येष्ठ मत जो है स्वर के लिए काफी अच्छी काम करती है। गायिका है सिंगर्स है वो उनका तो साथ में ही रहना चाहिए। अगर बच्चों के भी आवाज है जो हम कहते हैं कि स्वर है, अगर हमें मधुर करने हैं तो ज्येष्ठ मत का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। हमने रसायन मेध्य रसायन पढ़ते समय उसमें ज्येष्ठ मत आया है। कितने रे? चार मेध्य रसायन बताए संहिता में, बराबर कि पांच? चार। कौन कौन से आई है? सिक्वेंस सिक्वेंस गुरु चाह स्वरस योज्य, शंख पुष्प्या स्वरस योज्य, समूल पुष्प्या गुरुची। तो ऐसे आए है, शंख पुष्प का स्वरस आया है, स मूल पुष्पया गुड़ची आई है, यष्टि मधु का चूर्ण माया है। तो यष्टि मधु का चूर्ण अगर दूध में देंगे तो मेध्य रसायन काफी अच्छा बन जाता है। अब दो दो प्रकृति वाले अलग अलग लोग हैं, तो पित्त प्रकृति वाले उष्ण प्रकृति वाले व्यक्ति को अगर हम डेली यष्टि मधु चूर्ण घृत के साथ देंगे तो उसका जो बुद्धि है वो काफी अच्छी बन जाती है। वायु का शमन होने की वजह से धारण शक्ति अच्छी बन जाती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल मायसेल्फ। तो मम्मी को पूछो 6 महीने ज्येष्ठ मधु चूर्ण सुबह और सिर्फ मूंग दाले की, ये फाइनल ईयर में। तो जो हमारे निदान स्थान सुश्रुत का है, हमारी ईएनटी की फाइनल की एग्जाम थी, तो सुबह मैंने 88 श्लोक याद किए थे, बाद में भूल जाते क्योंकि सिर्फ धारण शक्ति अच्छी बनी है। तो 88 श्लोक मुझे 2 दिन तक पूरे याद थे। तो उसका फायदा मुझे ओरल में भी हो गया। तो क्या हो गया, हमारे सर्जरी के मुंबई के सर्जरी के इसके लिए आए थे, हमारे मौखिक वाइवा लेने के लिए। तो आने के बाद मैंने तो सर प्लानिंग की थी, हमें तो फर्स्ट ही आना था, तो किसी को दिखाना था हमें फर्स्ट आना है बोले। हाँ तो फर्स्ट आना ही था। तो थेरी में तो हमेशा फर्स्ट आते थे, साला ये वायमा में ही रखते थे क्योंकि हम तो लड़के हैं, लड़कियों को ही ज्यादा मार्क मिलते थे वायमा में, पता नहीं क्यों। हाँ, सिर्फ अगर एक्सटर्नल अगर फीमेल आ गई तो हम खुश होते थे, अरे भाई अपना तो चला अब। तो क्योंकि चार्म बीम तो वायमा में लड़कों का काम में नहीं आता है, प्रश्न पूछते नहीं आता, सीधा 90 में से 45। ज्यादा अगर 2 सवाल के आंसर देंगे तो 46। मैंने पूछा था एक्सटर्नल के, एक हमारे सर आए थे पहचान के, उनको पूछा सर मुझे आपने 6 प्रश्न पूछे, मैंने 6 के 6 उत्तर दिए, आपने भी बोला गुड, आपने भी भेज दिया, तो 90 में से 46 क्यों? आपने 6 प्रश्न पूछे, मैंने 6 का जवाब दिया, 90 में से 90 है ना, 90 में से 46 क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज में यही होता है, उन्होंने बोला भाई तेरे 46 ही 90 समझ, क्योंकि बाकी सारों को 45 है, तुझे ही 46 है। तो ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है। अगर 6 प्रश्न पूछे 5 का आंसर दिया तो हमें चाहिए ना 70 तो भी चाहिए ना, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं रहता। प्राइवेट कॉलेज में 6 में से 6 ना पूछो, 90 में से 89 रहते हैं। तो ऐसा रहता है। तो वो जो ग्रहण है तो वो वायवा मौखिक थी, तो सर्जरी के सर आए थे और मुझे हर एक इसमें ज्यादा मार्क चाहिए था क्योंकि फर्स्ट आना था, तो मार्क चाहिए था। ओरल में देते नहीं थे मार्क, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे गणेश सर है बीड़ के, वो हमेशा दौड़ के आते थे, तो उन्होंने निकाला कि ये भाई बॉम्बे का है और इसका पीएचडी का थीसिस निकाला उन्होंने, तो उनका यंत्र था
तो मुझे जस्ट मेरे 3-4 नंबर पहले, मेरा 7 नंबर था रोल नंबर, और चौथे या पांचवे की चालू थी भाई वाह। तब मुझे मैसेज आया कि भाई ये चंदू, चंदू बोलते थे मुझे, चंदू ये यंत्र का मालिक है, देख तो यंत्र के श्लोक आते हैं क्या। मैंने भाई सर कभी पढ़े नहीं ना, तो पढ़ बोले दो तो भी पाठ कर बोले यंत्र के श्लोक। मैंने बोला सर करता हूँ। तो ज्येष्ठ मत था रक्त में रक्त में ज्येष्ठ मत था, ग्रहण शक्ति तो बढ़ गई थी, तो ग्रहण शक्ति इतनी अच्छी काम करती थी मेरी, अभी भी करती है, स्मरण शक्ति नहीं करती, भूल जाता हूँ बाद में। तो मैंने क्या करना है, कभी भी वात प्रकृति के जो लोग है, एक इंद्रिय का इस्तेमाल नहीं करना, दो या तीन इंद्रियों का इस्तेमाल करना अगर आपकी ग्रहण शक्ति के ऊपर काम करना है। तो क्या करना है, तीन इंद्रिया मतलब नाक जीवा और करना, नासा का तो उपयोग नहीं होगा। तो कान से सुनना, आंखों से देखना, हर जीवा से उच्चारण करके लिखना, तो चार इंद्रिया आ गई, एक हस्त आ गया, स्पर्श आ गया, और इसके हिसाब से ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ती है। तो वो लिखना मैंने शुरू किया, और देखते देखते मैंने 12-15 श्लोक लिख लिए, 18 श्लोक लिख लिए, 18 श्लोक है हमारे टोटल, और बंद कर लिया। अब वही याद कर रहा हूँ ना, अब याद करते करते 17-18 एक बार याद हो गए, खत्म बात, एक पार्टी जो कहते ना, आ गया मेरा नंबर, और ओरल में हम बैठ गए, तो वो प्रश्न ही नहीं पूछ रहा ना यंत्र का बाकी सारे पूछ रहा है, उसमें तो सारे कच्चे ही थे पहले जैसे, एक प्रश्न पूछ लिया उसने, ये क्या है बता, आता प्रश्न उचला, तो ऐसे यंत्र रखे थे वहां पे 11, तो स्वस्ति केंद्र से लेके ताल यंत्र तक सारे के श्लोक मैंने बता दिए, 90 में से 72 थे, पूरे आयुर्वेद के कॉलेज में किसी को नहीं मिले 72, सेकंड वाला 60 पे था। तो ऐसे हमने पकड़ पकड़ के ज्येष्ठ मत का उपयोग किया, तो ज्येष्ठ मत बहुत काम में आता, किसी को पीजी की एग्जाम फिर से देनी है तो ज्येष्ठ मत लेके जाओ मेरे से, हाँ फिर बाद में कभी नहीं मिलो जिंदगी में तो कंठ मधुरम मधुर रसत्व है ना, कंठ है, कंठ के लिए ज्यादा हितकर है वात पित्त, जो भी हमारे जो पिछले साल हमने वमन दिया था उसको गाना गाना था, और उसकी उम्र 60, हमने पिछले साल 70 साल के व्यक्ति को वमन दिया था, वो 40 साल जैसे उसका शरीर था, इसलिए 70 साल के व्यक्ति को वमन दिया था, उसको गाना गाना था। तो ज्येष्ठ मत देने से आवाज जो है स्वर अच्छा बन जाता है, वमनोपक तो है ही, आस्थापनोपक भी है हमें पता है, दाह शमक है, तीक्ष्ण उष्णता का शमन करके है, क्षीर जो है ज्येष्ठ मध का क्षीर भी काम में आता है। तो ज्येष्ठ मध अगर किसी के पास दूध का भंडार है तो अवगाह करना है, एकदम से ज्येष्ठ मध का क्षीर बनाना है, एकदम बाथ टब में डालना है, और 15-20 मिनट उसमें ऐसे बैठ के जाना है, आहा शरीर अच्छा बन जाएगा। पित्त से रागम शमयति, मूत्र विरजनीयम है, ठीक है, तो मूत्रगत पित्त बढ़ गया तो येलोनिश आ जाता है, तो वर्ण प्रसादकम मधुकम करोति, तो उसको श्वेत अगर बनाता है तो ज्येष्ठ मध एक ही दिन में काम करता है, कोई कह रहा है येलो यूरिन है उसको ज्येष्ठ मध अगर देंगे षडंगोदक के साथ तो येलो यूरिन निकल जाती है। अंगमृत प्रशमन है, क्योंकि वायु जो बढ़ जाता है वो दूर करने के लिए ये काम में आता है। मांसक धातु गतत्वात् मधुकम वात शमनार्थम, ठीक है, शोणित स्थापन है, रक्त का स्तंभन करती है, अधोग रक्त पित्त भी काम में आते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि शतावरी ज्येष्ठमद और शक्कर अधोग रक्त पित्त की बेस्ट दवाई बताई गई, अब आज हम पढ़ेंगे रक्त पित्त। तो जीवनीय है, वयस्थापन है, चक्षुष्य है, चक्षुष्य कैसे, मौन से धातु दर्बोल्या, देखिएगा मैंने बताया था आपको चक्षुष्य कैसी है, क्योंकि कफ की भीति है नेत्र को, फिर भी ज्येष्ठमद चक्षुष्य है, तो कैसे, मांस धातु दौर्बल्यात नेत्रे तिमिरादि रोगाहा द्वितीय पटलाश्रितः जायन्ते, हमारे जो पटल है द्वितीय पटल पे तिमिर रोग होते हैं, कब होते हैं, मांस धातु दौर्बल्यात, मांस धातु दौर्बलता की वजह से, तेषु नेत्रगत मांस पोषकम द्रव्यम उपगतम भवति, अब ऐसे व्यक्तियों में नेत्रगत मांस जो है, नेत्र को पकड़ने वाले जो मांस से बना है, द्वितीय पटल बना है, उसके बल देने के लिए मधुष्टि काम करते, मधुकम नेत्राश्रित मांसम पोषयति, नेत्र में जो मांस धातु है उसका पोषण करने के लिए मधुयष्टि काम में आते हैं, इसलिए जब आइस ट्रेनिंग होती है थक जाते हैं तो ज्येष्ठ मधु काम में आते हैं, तो ज्येष्ठ मधु घृत तभी देना है जब हमें द्वितीय पटलगत विकार में काम करना है, तो द्वितीय पटलगत विकार का है पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा।
हरित की मांसानु गमनम कृत्वा मांसास्थि स्थान मलान अपहरति। देखिएगा हरित की और ज्येष्ठमर्द का नेत्र के ऊपर कर्म का डिफरेंस बताया गया है। मांस धातु में अगर मल ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, खमल कहेंगे। इसीलिए जब डोड़ाना चिपड़े था ना, हिरडा घिस के, हम बाल हिरडा घिस के वहां पे लगाते हैं तो निकल जाते हैं। जब सुबह सुबह चिपक जाते हैं ना, हरित की मशी काम में आती है, त्रिफला की मशी काम में आती है, या हरित की भी काम में आती है। तो मांस धातुगतम दोष को अपहरण करने के लिए हरित की काम करती है, लेकिन पोषण काम करने के लिए ज्येष्ठ मध होता है। तो हमें पेशेंट को करने के लिए हमें क्या करना है वो हमें देखना है, उसके हिसाब से हम उसका काम कर सकते हैं, अर्थात तो चिकित्सा स्थानम द्वितीय अध्याय। अष्टांग हृदय वाग्भट सार्थ वाग्भट द्वितीय अध्याय चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सित व्याख्यास्यामः। ऊर्ध्वगम बलिनो अवेगम एक दोषानुगम नवम रक्तपित्तम सुखे काले साधयेत निरुपद्रवम। क्या बताया गया है, बलवान व्यक्ति के जिनका बल कम है, एक दोषात्मक है, एक दोषानुगम नवम नया है, उपद्रव रहित है, ऊर्ध्वगामी है, वह हेमंत और शिशिर ऋतु में हुआ है, वो साध्य है। अधोगम यापयत रक्तम तच्च दोष द्वयानुगम। और जो अधोगत है और द्वंद्वज है वो याप्य है। याप्य में जब तक दवाई देंगे तब तक ठीक लगेगा, जब तक दवाई बंद होगी उसको तकलीफ रहेगी। शांतम शांतः पुनः कुप्यम मार्गत मार्गानंतरम चयत अति प्रवृत्तम मंदाग्नेः त्रिदोषम द्विपथम त्यजेत। शांतम शांतम पुनः कुप्यम, ठीक ठीक हो रहा है फिर से कुपित हो रहा है। मार्गत मार्गांतरम च, एक मार्ग से बंद होके दूसरे मार्ग से रक्तपित्त निकल रहा है। अति प्रवृत्तम, अति प्रमाण से निकल रहा है। मंदाग्नेः, जिसका अग्नि कम है। त्रिदोषजम, जो है वो छोड़ देना चाहिए। और द्विपथम, दो जगह से अगर रक्त निकल रहा है, रक्त दिख रहा है तो वो त्यजेत, ऐसा कहा गया है। तो हमारा जूनियर था कौन, रामदास था। उसको पहले से कार्डियक डिसीज था और उसका कार्डियोमेगाली थी, इजेक्शन फैक्टर भी कम था। तो वो शाम में रात में उन्होंने च्यवनप्राश बनाने का ठान लिया। च्यवनप्राश को मेहनत तो पता है आपको कितनी लगती है, अकेले ने वो घुमा घुमा के च्यवनप्राश किया। च्यवनप्राश बन गया, 3-4 वाटी च्यवनप्राश खाया उसने। सब लोगों से बात की, हमारा रामेश्वर है उसका रूममेट था, और वो एकदम से उठ गया रात को, बाथरूम में गया, उल्टी कर रहा था, वहां पे गिर गया। गिर जाने के बाद रामेश्वर उठ गया, रामेश्वर गणेश था, दोनों देख रहे, इतनी ब्लीडिंग, कम से कम 2 लीटर ब्लीडिंग उसकी। ये लोगों को पता ही नहीं ब्लीडिंग कहाँ से हो रही, वो यहाँ देख रहे हैं कहाँ पे, सर पे देख रहे हैं कहाँ पे ब्लीडिंग है, कहाँ पे ब्लीडिंग है, सब जगह पे देख रहे हैं। वो ब्लीडिंग कहाँ है समझ में नहीं आ रही है लोगों को, पूरे सर उसका तो पूरा सर शर्ट भीग गया ब्लड से, वो समझ ही नहीं आ रही ब्लीडिंग। वो ऊंड देख रहे ना, कोई को लगता है अगर गिर गया है, अगर खरोच आ गया, नहीं समझ में आया। और जब एडमिट किया, फिर से देखने लगे, क्लीन किया, तो ऊपर तो कुछ नहीं था, उसके नाक से और उसके कान से ब्लीडिंग थी द्विपथम। 7 दिन में मर गया, द्विपथम था उसका। तो ये तिर्यक गति रही थी, तेजेत ऐसा कहा गया, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जिएगा नहीं। तो वो हमारी केस थी, हमारा स्टूडेंट था, उसको 1 साल अभी हो गए, तो वो जो है द्विपथ वाला रक्तपित्त था। अब उसके कारण बिरन सारे अलग है, लेकिन वो उसकी चिकित्सा अप्रतिकार्य है, उसकी चिकित्सा होगी नहीं, ऐसा बताया गया है। ज्ञात्वा निदानम अयनम मलाव अनुबलो बलम देशालाद्य अवस्थाम च रक्तपित्ते प्रयोजित।
लंगनम ब्रहणम च आदौ शोधनम शमनम तथा। अब देखिएगा कौन सी भी व्याधि की चिकित्सा करने का चिकित्सा सूत्र बताते समय बताया है कि ज्ञातवा निदानम अयनम, यही गड़बड़ हो जाती है। अब देखिएगा हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन कौन कौन से हाइपरटेंशन रहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन रहता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन रहता है, विस्कोसिटी जन्य हाइपरटेंशन रहता है, ऑर्गन रिलेटेड हाइपरटेंशन रहता है, हार्मोनल हाइपरटेंशन रहता है, और उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि कार्डियक रहता है, नेफ्रोटिक हाइपरटेंशन रहता है, रिनल के रिलेटेड हाइपरटेंशन रहता है, ट्रोमेटिक हाइपरटेंशन रहता है, बहुत प्रकार के हाइपरटेंशन रहते हैं, और गोली एक बराबर। तो हाइपरटेंशन को दबाने वाली गोली है, सही है, लोग बच रहे हैं, बराबर है, लेकिन आगे क्या क्या बताया गया है कि ज्ञातवा निदानम अयनम, इन सारे हाइपरटेंशन का निदान कारण क्या है, ये जब तक आप देखते नहीं तब तक ये गोलियां बंद नहीं होगी। बीपी हाइपरटेंस लगाया, 200 बीपी आ रहा है, बराबर है, इमरजेंसी है, बीपी कम कर देंगे, लेकिन भाई रोज गोली खा रहे कम कर रहे हैं, अभी तो टाइम है आपके पास, ये बीपी क्यों बढ़ रहा है, मेरे शरीर में ऐसा क्या हो गया है, कुछ दिन पहले मुझे बीपी नहीं था, मुझे अभी बीपी है, वो जो दुष्टि बन रही है वो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक बीपी की गोली बंद नहीं होगी। शरीर में मुझे 2 साल पहले डायबिटीज नहीं था, अभी डायबिटीज है, तो ऐसा शरीर में क्या बदलाव आया है जिसकी वजह से मेरी ब्लड शुगर बढ़ रही है, उसके ऊपर चिकित्सा करोगे तो ही डायबिटीज की दवाई बंद होगी, नहीं तो ब्लड शुगर लेवल राइज हो रही है उसके लिए जिंदगी भर दवाई खानी ही है, 400 शुगर हो रही है इंसुलिन लेना ही है, इमरजेंसी मैनेजमेंट हो गया, लेकिन मेरी कुछ साल पहले नहीं थी अभी हो रही है, तो ये डिफरेंस क्या है, उसको क्या करेंगे, उसको करने वाली चिकित्सा कहते हैं वो ज्ञातवा निदानम, उसका निदान हम अगर पकड़ के चिकित्सा करते तो सही चिकित्सा होगी, और हर व्यक्ति का निदान अलग है, नहीं तो हर व्यक्ति को स्ट्रेस 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 ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हर व्यक्ति का निदान अलग है। सीधा बैठने से भी डायबिटीज होती है, कंप्लीट बैठने वाले लोगों को डायबिटीज होती है, अब बैठता कब है, जिंदगी भर बैठते आ रहा है ना, एक ही जॉब है उसका, सिटिंग जॉब है, उसकी वजह से बैठा है तब बन रहा है आगे जाके। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, चलना है, व्यायाम है, ऐसा हम बताते हैं, वो भी कितने दिन करना है, कम से कम हाफ पीरियड करना है, अगर हम 10 साल बैठ रहे तो 5 साल कम से कम व्यायाम करोगे चलोगे तो ही डायबिटीज जड़ से जाएगा। कोई लोग घूम रहे फिर रहे टेंशन वाले हैं तो हम बोलेंगे टेंशन कम ले, हाँ उसने बोला हाँ मैं टेंशन कम ले रहा हूँ, अभी होती है क्या डायबिटीज कम, नहीं होती है, उसको वो मन दोष का चिकित्सा भी करनी पड़ेगी साथ में, और उसको जो बल्य है वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे तो उसको आधा टाइम तो लगता है, देखो बैठने से डायबिटीज हो रहा है, अगर हम उसको चलाएंगे, अगर 10 साल से बैठ रहा है तो 5 साल चलाना पड़ेगा, अगर वो हमें 5 साल रिड्यूस करना है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो पकड़ के काम करना होगा। इसलिए क्या बताया, ज्ञातवा निदानम अयनम मलावनुबलौ बलम देश कालाद्य अवस्थाम से रक्त पित्त प्रयोजित, रक्त पित्त में कारण मार्ग सहायकारी दोष साथ में कौन है, रोग की शक्ति, देश काल इत्यादि अलग अलग अवस्थाओं का विचार करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर कोई हमारे विरोधी पार्टी का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और हमें थ्रेट दे रहा है, मेरा आज पंतप्रधान का निकल जा रहा है, मेरा गृह मंत्री का पद या मेरा निकल जा रहा है, ऐसा किसी को लगता है तो वो क्या करते, आने वाला ऊपर कौन है, उसके मार्ग क्या है, उसके सहायकारी लोग कौन है, वो उसका शक्ति का है, शक्ति देखेंगे, उसका देश का है, उसके साथ उसका काल क्या है, और वो देख के हर जगह पे इसको तोड़ो, उसके दोस्त तोड़ो, उसकी शक्ति तोड़ो, उसका सोशल मीडिया में जो नाम बना है वो तोड़ो, तो हम ही जीत जाएंगे, ये राजनीति है, तो वही राजनीति रक्त पित्त में हमें करनी है, चिकित्सा में वही राजनीति करनी है, क्या करना है, उसका मार्ग क्या है, दोषों का कारण क्या है, सहायकारी दोष क्या है, लंघन ब्रूहन और शोधन और शमन, सारी चिकित्सा करनी है, सिर्फ रक्त पित्त नहीं है, जहां पे दोष धातु
प्रत्यक्ष दिखते हैं, ऐसे सारे विकारों में यही चिकित्सा करनी है। बाकी ऐसे कम विकार है जहां पे धातु बाहर पड़ता है, मांस में पड़ते धातु, ऐसा मांस धातु निकल रहा है इधर से नहीं, रक्त निकल रहा है ना, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, अस्थि निकल रहे हैं। मेरे कल सुबह दो अस्थियां गिर गई, ऐसा नहीं होगा ना, तो वो अस्थि का नहीं है, अस्थि के लिए अलग आया, लेकिन रक्त है, इसीलिए ज्वर के तुरंत बाद रक्त पित्त बताया है। ऐसा है मांस पित्त मध्य व्याख्या, अस्थि वात अध्याय व्याख्या, शुक्र का भी अध्याय है क्या? नहीं है ना, रक्त का अध्याय है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब जब दोष धातु बाहर जाने वाले हमें लक्षण दिखते हैं, तो हमें रक्त पित्त का ये श्लोक जो है सारे विचार करके लंघन ब्रूहन शोधन शमन जो भी लगेगा मैं सारी चिकित्सा हमें हर इसमें करनी है। धातु में हम तो जा भिड़े वाड़ा जाए थे, कौन है तुला जाए थे जा, एक श्लोक वाचना रहे आम्ही तुम्ही आणि महत्त्वाचं बोलणार आहे, नाही बंद करणार आहे मोबाईल। अब इतना है दोष बाहर पर धातु बाहर जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा? धातु को रोकना। तो रोके कैसे? स्तंभन नहीं दिया, वेग का उल्टा काम करना है। अब क्या दिया है देखिएगा, हमारे यहाँ पे जैसे मॉडर्न में विटामिन सी है और पॉज टैबलेट है, वैसे आयुर्वेद में भी है स्तंभन। इतने कड़क स्तंभन रहे हमारे पास, कड़क स्तंभन, लेकिन उनका वर्णन कभी नहीं करता आयुर्वेद। प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्त विधीयते, वो प्रतिमार्ग वेग का चिकित्सा, कारण की चिकित्सा के पीछे करते हैं। एक श्लोक पढ़ेंगे और आज का खत्म करेंगे। संतर्पणोत्त बलिनो बहुदोषस्य साधयेत् ऊर्ध्वमार्गं मार्गं विरेकेन वमनेन तु अधोगतम्। शमनहि ब्रूहनैश्च अन्नत् लंघन ब्रूहनान्न अवेक्षच। दोष का जोर ज्यादा है, मतलब स्पीड है, ब्लीडिंग बहुत जोर से हो रही है। अधोग रक्त पित्त में क्या आते हैं? पीवी ब्लीडिंग आती है, पीआर ब्लीडिंग आती है, मूत्रगत भी ब्लीडिंग आती है, तो वो बहुत दोष का जोर ज्यादा है और वो संतर्पण से हुआ है, खाली पेट नहीं हो रहा है, खाने के बाद हो रहा है सर, विशिष्ट चीजें खाने के बाद हो रहा है, तो ही समझना है संतर्पण जन्य। तो ऊर्ध्वगत है, ऐसा नाक से नेजल ब्लीडिंग आ रही है, संतर्पण जन्य लग रहा है, तो उसमें क्या देना है? विरेचन देना है। अगर अधोगत है तो उसमें क्या देना है? वमनम देना है। ये प्रतिमार्ग हरण की चिकित्सा बताई गई। रक्त के लिए स्तंभन बताया गया नहीं, स्तंभन करोगे तो व्याधि होगी, पहले प्रतिमार्गम जो हरणम करना है। और वो दोनों प्रकार का व्यक्ति नहीं है, बलवान भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो लंघन योग्य असल्यास शमन, ब्रूहन योग्य असल्यास ब्रूहन द्यावे, मीन्स लंघन योग्य असल्यास शमन और ब्रूहन योग्य असल्यास ब्रूहन देना, तो ऐसी चिकित्सा करनी है। तो ये हमारा बीपी का अध्याय है, हमारा मृत्यु का अध्याय है, ऐसा काफी वाला अध्याय है, तो इसमें हम अगले हफ्ते में देंगे। कल जा रहे हैं वाराणसी, ऐसा है।